Hi guys, welcome back to my channel and wishing you all happy Diwali. So in this video, I'm going to show one beautiful side drape which I have been collaborated with Kia designer. It's near to Thane station as they have amazing collection for the outfit, for lehenga and many more. And I've got couple of saris. So I'm gonna show all of the saris in this video. Like we are gonna have part one, part two, part three, lot of parts which are going to come out. But for this video, we gonna have one amazing sari which is Minakari Georgette is a fabric and which is look like a bandhini. So I will drape karungi for that. Let's go. So this is a plain blouse with a single strap and a sweetheart neckline. I wanted to go very simple with the blouse and a black shaper, very comfortable to get a proper drape. First, I've accessorized with my jewelry. I've just wore this morni wala earrings and a kada and a very choti si bindi. So now we're gonna drape and it's a proper side draping tutorial. तो ये टाइम है ना थोड़ा हम ट्विस्ट करने वाले विद द साइड ड्रेप. लाइक नॉर्मली हम आगे से टक करते हैं बट इसमें हम करने वाले हैं पीछे से टक. एंड यू नो दिस साड़ी वाज सो कंफर्टेबल तो आप अच्छे से प्लीट कर सकते हो. एंड इट वाज अ प्रॉपर जॉर्जेट मीनाकारी विद अ वेरी सॉफ्ट फैब्रिक. तो ये पीछे तो हमने टक किया, शेपर में आपको अच्छे से टक करना है. एंड देन डेफिनेटली यू हैव टू फर्स्ट वेयर द हील्स सो दैट आपको पता चले कि आपको कितनी हाइट लेनी, मतलब कितना अंदर टक करना है. लाइक ज़्यादा टक करोगे तो साड़ी छोटी लगेगी, तो आपको अच्छे से देखना है, इसलिए आपको हील पहले पहनना है. एंड देन आई एम जस्ट लाइक सीइंग द एंटायर साड़ी, क्योंकि कभी कभी साड़ी थोड़ी छोटी भी होती है, बट दिस इज़ प्रॉपर 5 yard साड़ी. देन आई स्टार्टेड मेकिंग द लोअर प्लीट्स. लाइक इसमें टोटल 4 से 5 लोअर प्लीट्स बनी, बट ये हम आगे तक नहीं करने वाले हैं. आई एम फर्स्ट गोना टेक अ सेफ्टी पिन, गैदर ऑल द प्लीट्स, लोअर प्लीट्स, सो दैट वो प्लीट्स इधर के उधर ना हो. और फिर सारी प्लीट्स को लेके आगे टक नहीं किया मैंने, मैंने प्लीट्स को लेके पीछे टक किया. ये है थोड़ा सा अलग ट्विस्टिंग. आफ्टर टेकिंग इट, लोअर प्लीट्स पीछे टक हो गई. अभी मैं कर रही हूँ शोल्डर प्लीट्स. तो आई स्टार्टेड मेकिंग अच्छे से प्लीट्स और इसमें भी कुछ 5 से 6 प्लीट्स आई है. एंड देन आई हैव ड्रॉप्ड ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द शोल्डर. एकदम सेम है जैसे हम नॉर्मली करते हैं. और मुझे ना थोड़ी लंबी साड़ी रखना पल्लू बहुत पसंद है, क्योंकि वो थोड़ा इल्यूजन देता है टू क्रिएट दैट टॉल फील ऑफ इट, बिकॉज आई फील लाइक दैट लुक्स नाइस ऑन मी. तो मैं लंबा ही रखती हूँ पीछे. और फिर थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो पीछे से मैंने ड्रैग किया एंड थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो आई हैव जस्ट टेकन 2-3 प्लीट्स और मैंने वापस शेपर के साथ एक सेफ्टी पिन लेके टक कर दिया. एज आई आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मुझे वो ज़्यादा प्लीट वाला फील नहीं, थोड़ा फर्स्ट जो प्लीट है लिटिल ब्रॉड रखती हूँ सो दैट इट इज़ अ लिटिल फॉलिंग टू द शोल्डर एंड इट गिव्स रियली डिफरेंट फील ऑफ इट. बहुत इंडियनाइज ट्रेडिशनल है, बहुत अच्छा लग रहा है. और ये आप ऐसे भी ओपन रख सकते हो, बट इफ़ यू फील लाइक मोर कम्फर्टेबल टेक दैट प्लीट एंड जस्ट रैप अराउंड योर रिस्ट. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इट इज़ सो नाइस एंड इट इज़ सो ईजी टू डू, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. So guys, if you really like this video, please let me know in the comment section. Do like, share, comment and subscribe as we are going to come up with a lot of amazing side draping ideas. So stay tuned for my next one. Bye-bye.